नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका टुडेज के हमारे इस न्यूज कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर हैं पटना की 20 बड़ी खबरों के साथ। सीएम से राजद विधायक की मुलाकात पर उठे सवाल, पार्टी ने कहा गलतफहमी में ना रहे जदयू। 14 दिसंबर को बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति राजभवन बुलाए गए। जीतन राम मांझी ने कहा दलित की तरह की है गरीब सवर्ण मिले आरक्षण। लालू की रिहाई और बीजेपी की विदाई के लिए आरजेडी ने किया हवन। हाईकोर्ट में आज होगी तेजस्वी के बंगले के मामले में सुनवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 12 को आ रहे हैं पटना। नीतीश सरकार को कुशवाहा की चुनौती, 7 दिन में जमीन दे तो 10वें रोज केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन कर दूंगा। सुशील कुमार मोदी ने कहा भ्रष्टाचार है राजद कांग्रेस की दोस्ती का आधार। एनडीए सहयोगियों की बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री पद और एनडीए छोड़ने का किया ऐलान। उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए से विदाई पर जदयू का तंज, धारा के विपरीत जाने पर कोई नुकसान नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने कहा भाजपा काम के नाम पर नहीं राम के नाम पर वोट मांग रही है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर तेजस्वी ने ट्वीट करके सरकार पर बोला हमला, जदयू ने कसा तंज और दी नसीहत। पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच फिर मुठभेड़, गिरफ्त में आया बदमाश। बीएसएससी की परीक्षा में अलग अलग जगहों पर दूसरे की जगह परीक्षा देते 3 फर्जी कैंडिडेट्स हुए गिरफ्तार। पटना डोभी 4 लेन का काम ठप, कंपनी ने हाथ खींचे। प्रोन्नति पाने वाली सभी पुलिस कर्मियों ने 14 तक ज्वाइन नहीं किया तो होगी कार्रवाई। केंद्रीय सड़क निधि ने 347 किलोमीटर सड़कें अब होंगी 7 मीटर और चौड़ी। पटना में अब आबादी और स्थान के हिसाब से होगा पेयजल योजना का मॉडल। मार्च से पहले एम्स दिघा एलिवेटेड रोड का 1 लेन हो जाएगा शुरू। बीएसएससी परीक्षा में कट ऑफ 90 का अनुमान। ये थी पटना से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।